अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ ऑफ लुना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो जी आज है 12वां महर्रम और आज हम लोग जा रहे हैं इरना के कॉलेज, इरना का एडमिशन करवाने के लिए। और आज 31 है और मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा है जो कि पंजाब कॉलेज, जो पंजाब के यानी के बोर्ड का रिज़ल्ट है वो आ रहा है, पंजाब बोर्ड का तो उनका रिज़ल्ट आ रहा है। तो आज काफ़ी रश भी होगा और अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबियाँ अता करें, आमीन सुम आमीन। जिन्होंने मेहनतें की हुई हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता करें और उनके अच्छे अच्छे नंबर आएँ ताकि वो अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा सकें। तो अभी जी हम लोगों ने भी कपड़े प्रेस कर लिए हैं। इधर इरना ने मेरा सूट प्रेस करके रख दिया है और अपना भी प्रेस किया है। हम दोनों माँ बेटियाँ जा रही हैं कॉलेज ताकि इरना का एडमिशन हो सके आज। बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने पिक्स वगैरह जो बनवानी थी, जो भी उसका था, फ़ोटो स्टेट करवानी थी, जो उसने रिज़ल्ट वगैरह की फ़ोटो कापियाँ बनवानी थी वो भी सारी लेनी है और फाइल बना ली है। तो अब हम दोनों माँ बेटियाँ जा रही हैं कॉलेज। तो मैं होती हूँ रेडी और इरना भी हो रही है रेडी। तो ये है इरना का सूट और ये है मेरा सूट और अब ये इरना ने ही प्रेस किए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी कॉलेज। तो रेडी होते हैं और चलते हैं कॉलेज। तो जी यहाँ पे हम माँ बेटियाँ रेडी हो के यहाँ पे जी हम लोगों ने रहमान का वेट किया, लेकिन रहमान नहीं आया था स्कूल से, अभी लेट था। तो फिर मैं और इरना जो हैं कॉलेज के लिए निकल पड़े और अदीना घर के लिए छोड़ के गए। और अदीना जी रोने लगी कि मुझे छोड़ के जा रहा, जल्दी आना। तो जी हम यहाँ पे जी कॉलेज पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम। ये जी कॉलेज भी आ गया है, यहाँ पे हम उतरे हैं और जी अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए। और वहाँ पे जी मैम जो थी वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही उन्होंने कॉपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। और यहाँ पे क्लर्क ऑफिस जाके वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए और क्लर्क ऑफिस आके यहाँ पे दाखिला फ़ीस जो थी वो जमा करवाई हम लोगों ने, माँ बेटियों ने। इरना करवा रही थी और मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि इरना चलो जी आए। और यहाँ पे इरना ने वापस मैम के लिए हम लोगों ने कहा कि मैम ने कहा कि मुझे मिल के जाइएगा। तो फिर वहाँ पे हम लोग उनसे मिले, गपशप थोड़ी सी लगाई उनके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पे जी इरना और मैं वापस यानी कि घर के लिए आ रहे हैं। रिक्शे वाला बाहर खड़ा था क्योंकि हम लोग रिक्शे वाले को जाने आने का किराया करवा के ही आए थे। और रास्ते में हम लोगों को लगी थी भूख क्योंकि सुबह से हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, दूध पिया हुआ था और बच्चों ने और हम सब ने, मैंने भी, तो यानी कि दूध सोडा पिया हुआ था हम लोगों ने। और फिर रास्ते में भूख लग रही थी तो हम लोगों ने ली छलियाँ और आके हम लोगों ने पहले छिल्ली खाई सब ने, फिर उसके बाद फटाफट बनाया आलू का पुलाव जो कि बहुत मज़ेदार आलू राइस सीधे वाले बनाए मैंने और साथ में रायता बनाया और हमने किया इंजॉय। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पर, प्लीज़ वहाँ पर भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें।